पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये तो पहले तुमने कैसेटों में सुना था, मगर आइए मैं जो भजन सुना रहा हूं तुमको आनंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। अब कोई ताली मत बजाना, केवल शांति से भजन को सुनो। हो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप को है, हो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जावे से क्या फायदा। सोरे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जावे से क्या फायदा। ओ सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे। अब बात अच्छी तरह तो तालियां बजा लेना। घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, संतो ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। कहा है मथुरा जाओ या काशी, मथुरा जाओ या काशी, या जाओ हरिद्वार। और अपने माता पिता को नहीं पूछा तो फिर जीवन है बेकार बेकार। हम संसार में भटकते घूमते हैं, हम संसार में भटक के घूमते हैं, हम लाख जागरण करा लें, जब तक कृपा और पंजा अपने माँ बाप का हमारे सर पर ना होना तो ये देवी देवता भी तुम्हारे ऊपर प्यारे कृपा करने वाले नहीं है, नहीं है। लाख यतन कर लो कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि हे जिसने पैदा किया उनको माना नहीं, हे जिसने पैदा किया उनको माना नहीं, वो है किस हालों में ये तूने जाना नहीं।
अपनी मैया के तन पे धोती फटी, अपनी मैया के तन पे धोती फटी, अपनी मैया के तन पे है धोती फटी फटी। और दरबार जाते हैं सबसे पहले, जागरण में सबसे आगे जाकर के बैठते हैं, जय माता दी जय माता दी। अरे तुझे अपनी माँ की चिंता नहीं है, यहाँ बैठ करके चाहे लाख जयकारे लगवा लगा ले, लाख भंडारे करा ले, कोई मिल कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपनी ही मैया के तन पे है धोती पट्टी। अब बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना और तालियों को मोहताज हो जाओगे। अपनी मैया के तन पे है धोती फटी, तो इस माँ को चूंदर उड़ाने से क्या फायदा। अपनी मैया के तन पे है धोती फटी, माँ को चूंदर उड़ाने से क्या फायदा। जिन माँ बाप का पंजा हमारे सर पर रख जाता है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए ना, तो इस संसार में तरक्की की ओर से कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। हो चलते भैया, सुनो मैं एक अब का फिलहाल का बदलाव देखो, अब फिलहाल का बदलाव। पहले जो हमारे यहां हुआ करते थे तो कच्चे कच्चे घर हुआ करते, कैसे कच्चे, और जब कच्चे घर हमारी माता बहनें सजाती थी तो उनको बड़ा ही सुंदर सजा देती थी, तो गेट पर लिख देती थी स्वागतम, क्या लगती स्वागतम। मगर चेंजिंग हुई तो लोग वेलकम लिखने लगे। अब तुम बाजार में चले जाओ, कुछ तो यहाँ भी टप्पल में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने को, नहीं ज्यादा तो नोएडा की तरफ दिल्ली की तरफ देखने को ज्यादा मिलता है, सिटियों में ज्यादा। तो आजकल लोगों में इतनी चेंजिंग आ गई है, पता नहीं लोग करके क्या छोड़ेंगे। अब गेट पर नेम प्लेट लगा देते, नेम प्लेट किसकी, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान सावधान। अब ये बताओ भैया, कुत्तों से सावधान, अब ये नहीं पता चलता है उस गेट पर जाकर कि इस घर में रहने वाले कुत्ते या घर में रहने वाले कुत्ते से सावधान रहे। हो चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता क्यों संसार में। और पिता पानी को प्यासे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। पिता के लिए माँ के लिए एक गिलास